गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग है। आज हम जा रहे हैं जैसलमेर और अभी हम हैं गुड़गांव में। सुबह के 7 बजे हैं एंड बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है। जैसलमेर यहाँ से है लगभग 800 किलोमीटर दूर, तो ये अभी तक की हमारी सबसे लंबी रोड ट्रिप होने वाली है और मैं अकेला ही ड्राइवर हूँ, तो बहुत बुरी तरह लगने वाली है मेरी। तो एनीवे काफ़ी मज़ा आएगा और यहाँ से लगभग लगते हैं गूगल मैप्स के हिसाब से 13 घंटे। तो अभी हम 7 बजे निकल रहे हैं और हम ब्रेक्स वगैरह काउंट करके चलते हैं, तो रफली हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें 16 घंटे लगेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली वहाँ 11 से 12 बजे तक पहुँच जाने चाहिए। अभी तक का रिकॉर्ड ये है कि हम गूगल मैप से बहुत लेट पहुँचे हैं, तभी एस्टिमेट होता है, तो देखते हैं। आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं शालू ऑफकोर्स और मेरे ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ आयुषी और अक्षत। अभी सीकर के पास पहुंच गए हैं और हमने अभी तक लगभग 300 किलोमीटर कवर कर लिए एंड वी आर गोइंग प्रीटी गुड। अभी हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं वॉशरूम एंड होपफुली यहीं पर लंच करेंगे या फिर देखते हैं कहां पर आगे लंच करेंगे, देन वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी। तो खाना कैसा लगा? ठीक था। तो खाना खा लिया हमने। ये सीकर से बाईपास आता है, उस पर एक होटल है राय सालोट पैलेस। खाना ठीक था एंड ठीक है, मतलब अगर आप सीकर बाईपास से जा रहे हैं और आपको ब्रेक लेना है तो यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। अब हम वापस रिज्यूम कर रहे हैं जर्नी। थोड़ा टाइम लग गया है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, लेट्स सी हमें कवर करना है काफ़ी। बाय द वे यहाँ गर्मी बहुत है, आप देख सकते हैं। वहाँ से चले थे बिल्कुल पैक होके चले थे, अभी हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं। ऑफिस में भी गर्मी लग रही है काफ़ी, जैसलमेर में भी एक्सपेक्ट करते हैं कि काफ़ी गर्मी होगी, वहाँ रात में भी ठंड होगी काफ़ी क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है। देखिए नागौर और हमने 507 समथिंग किलोमीटर कवर कर लिए हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है मोस्टली डेजर्टेड एरिया, तो फ्यूलिंग करवा ली है और थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं चाय के लिए। बाकी यहाँ तक का रास्ता सच में बहुत मस्त है। आपको इफ़ यू लाइक ड्राइविंग, तो सच में जो रोड है वो बहुत मस्त है और आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर ड्राइव करने के लिए। आगे का रास्ता भी आई थिंक सेम ही रहने वाला है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है।
अब हम फलौदी पहुंच गए हैं। ये हमारा लास्ट स्टॉप है जैसलमेर से पहले। जैसलमेर यहाँ से लगभग 141 किलोमीटर दूर है एंड अब NH 11 है तो काफ़ी अच्छा रोड है। यहाँ तक नागौर के बाद रोड ठीक था लेकिन इतना अच्छा नहीं था, फिर भी हमें सनसेट देखने को मिला, वो काफ़ी अच्छा था। अब हम होपफुली 10-10:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। सो फाइनली वी हैव रीच जैसलमेर और 850 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद थक तो बहुत गए हैं लेकिन जितना सोचा था उतना नहीं थके। और 850 किलोमीटर इससे पहले कभी कोई ट्रिप नहीं करी है, तो फर्स्ट टाइम करी है ना। हाँ, तो काफ़ी मज़ा आया और एटलीस्ट मेरे लिए पर्सनल एक्सपीरियंस था। हमें लगभग 15 आवर्स लगे ट्रैवल करने में। 7:30 हम गुड़गांव से निकले थे अप्रॉक्सीमेटली, हाँ, और यहाँ पर हम 10 बजे के आसपास पहुँच गए थे। जो एक्सपीरियंस था वो सच में बहुत अच्छा मस्त था। एक्चुअली हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोड इतना अच्छा होगा। इवन जयपुर तक नॉर्मल ट्रैफिक था जयपुर टू गुड़गांव, लेकिन गुड़गांव के बाद जो रोड्स थी वो काफ़ी अच्छी थी और जो ट्रैफिक था वो बिल्कुल नहीं था। हाँ, स्टेट हाईवेज पे टोल नहीं लगे और जो भी नेशनल हाईवेज थे वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड थे तो उन पे भी टोल्स चालू नहीं हुए, तो हमें मतलब लिटरली बहुत कम टोल्स देने पड़े। आई थिंक टोल मिला जयपुर के बाद हमें। जयपुर के बाद जयपुर बाईपास के बाद हमें शायद एक ही टोल मिला था। एंड अगर आपको ड्राइविंग अच्छी लगती है तो आई वुड लाइक स्ट्रांगली रिकमेंड आपको इस रोड पे आओ, बिकॉज लाइक इट्स रियली रियली ऑसम कि विदाउट ट्रैफिक इतनी अच्छी रोड्स पे ड्राइव करना और लाइक इट्स सो काम एंड पीसफुल, लाइक सच में मुझे तो मज़ा आ गया सच में। शायद 140 किलोमीटर का स्ट्रेच था जो हमें थोड़ा बोरिंग लगा था। हाँ, वो है नागौर से निकलने के बाद फलौदी के बीच का जो रोड है वो थोड़ा मतलब ख़राब नहीं है लेकिन इट्स ओके। हाँ, और इस ड्राइविंग का सबसे मस्त जो था वो था सनसेट, बिकॉज हम ईस्ट से वेस्ट आ रहे हैं और सन वेस्ट में ही सेट होता है, तो लाइक हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में सनसेट हो रहा था एंड लाइक इट वाज परफेक्ट टाइमिंग। और सच में उसको देख के तो मतलब मन खुश हो गया था कि इट वाज वर्थ इट कि हम इस जर्नी पे आए। और कल का हमारा प्लान है कि यहाँ से हम निकलेंगे, कल भी बहुत ड्राइविंग करनी है। 10:30 लॉन्जे वाला है, उसके बाद तनोट मादा मंदिर है, उसके बाद फिर देखते हैं कि हम वापस लौट के अगर यहाँ का फोर्ट विजिट कर पाते हैं या फिर रखना पड़ेगा नेक्स्ट डे के लिए। एनीवे दैट्स इट, आज का वीडियो इतनी तक ही है। अगर आपको पसंद आया तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।